Hello everyone, children, as you know that your revision work is going on, so today we will do page number 12. This exercise, sahi shabd chun kar vakya pure kijiye. इसमें यहाँ से हमें सही शब्द चूज करना है, छांटना है और यहाँ पर भरकर उसे अपना वाक्य पूरा करना है. ओके चिल्ड्रन, नंबर वन, भगवत कसरत कर, चल पर कर. थ्री ऑप्शंस हैं, आपको इसमें से सही ऑप्शन छांट कर लिखना है और वाक्य पूरा करना है. भगवत कसरत कर, ये वाला आया कर. टू, शबनम टमटम पर डैश पकड़ चढ़ या अकड़. शबनम टमटम पर चढ़, शबनम टमटम पर चढ़. दलदल डैश मत चल, कर पर सर. दलदल पर मत चल, ये पर यहाँ पर आया. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए. चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए, ये पिक्चर है, इसे देखकर आपको यहाँ पे लिखना है और सेंटेंस पूरा हो जाएगा. ये क्या है, काय की पिक्चर है, एक्सरसाइज कसरत कर रहा है ना. क स र तो कसरत, इसे अंडरलाइन करेंगे कर, ये कसरत कर रहा है, कसरत कर. पनघट प न घट अपन घट पर चल, ये क्या है, ये गिलास है ना, ये प्लेट है, ये भगोना है, क्या हुआ, ये सारी चीजें बर्तन में आती हैं, इसको बोलेंगे हम बर्तन. बर्तन बर्तन, बर्तन ऊपर रख, बर्तन ऊपर रख. एक बार फिर से देखेंगे, कसरत कर, पनघट पर चल, बर्तन ऊपर रख. अब हम नोटबुक में वर्क करेंगे. ओके बेटा, स्टूडेंट्स, ओपन योर हिंदी नोटबुक. राइट हियर टुडेज डेट 23 अप्रैल 2021. राइट हियर आर W. रिवीजन वर्क, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो. सही शब्द यहाँ से चुनने हैं और वाक्य को पूरा करना है, जैसे बुक में किया था. नंबर वन, बुक में 3 थे तो मैंने 4 सेंटेंस करने के लिए एक बुक के लेसन में से कर लिया. ठीक है, दशरथ उठा उठ चलो चल कर कर, क्या राइट है, उठो उठ, इसे टिक कर लेंगे, है ना, जिससे आपको यहाँ लिखने में आसानी पड़ेगी, ये वाला यहाँ आएगा, दशरथ उठ. भगवत कसरत डैश पर कर चल, कर क्या हुआ, कर, कर को टिक कर देंगे, कर यहाँ आ जाएगा, भगवत कसरत कर. शबनम टमटम पर डैश पकड़ चढ़ अकड़, चढ़, शबनम टमटम पर चढ़. दलदल डैश मत चल, कर पर सर. पर इज करेक्ट, इसको टिक कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, दल दल पर मत चल. ओके चिल्ड्रन, एक बार फिर लिखेंगे, दशरथ उठ, भगवत कसरत कर, सबनम टमटम पर चढ़, दल दल पर मत चल. प्यारे बच्चों, अगर इस तरह की एक्सरसाइज आपकी यूटी में आती है, यूनिट टेस्ट में आती है और आंसर शीट में आप लिखते हैं, तो सिर्फ आप नंबर वन करके इतना ही डालेंगे, ये ऑप्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जो आपने लिखा है उसे अंडरलाइन या डॉट डॉट्स करेंगे. ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कि आपने ये भरा है, ये ऑप्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको ये लिखना है कि कौन सा राइट है, यानी उठ है तो उठ, चल है तो चल, कर है तो कर. ओके बेटा, बहुत अच्छे से अपनी प्रिपेयर करेंगे लिखने की भी और पढ़ने की भी. ओके बेटा, थैंक यू.